2024 लोकसभा चुनावों का महा एग्जिट पोल आ चुका है और अब आपको पता लगने वाला है किसकी सरकार बनने जा रही है। 4 जून को देखिए, आंकड़ों में धमाका हुआ है और लगभग सब चौंक गए हैं जो आंकड़े आए हैं। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए न्यूज 24 टुडे चाणक्य में क्या आंकड़े आए हैं स्टेट्स वाइज। और मैं आपको बता दूं, ये शो देखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी सर्वे, जितने भी एग्जिट पोल्स हुए थे, सब मैंने इधर बता दिए हैं। दूसरा, इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का अनुमान क्या कहता है। तीसरा, एबीपीसी वोटर में किसकी सरकार बन रही है। चौथा, बाकी के पोल्स में कौन जीत रहा है। पांचवा, पिछले चुनावों में कितने सटीक थे आंकड़े, आपको ये भी जानना है। आज के, अभी के, 2024 के तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये भी बताऊंगी कि पिछले चुनावों में कितना, कौन सी एजेंसी कितना सटीक थी, ताकि आपको पता चल पाए कि ये जो आंकड़े मैंने बता रही हूं एग्जिट पोल्स के, वो कितने सटीक हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले न्यूज 24 टुडे चाणक्य से। अब देखिए, ओवरऑल अगर देखते हैं आप, कुल सीटें हैं 543, एनडीए यानी बीजेपी को मिल रही हैं 400, यानी मोदी का जो नारा था 400 पार, वो लगभग यहाँ पर पूरा होता हुआ दिख रहा है। इंडिया गठबंधन को 107 यानी 107 सीटें और अदर्स के खाते में 36। और अगर आपको मैं स्टेट वाइज बताती हूँ तो देखिए, केरल में 20 सीटें हैं, एनडीए के खाते में आ रही है 4, इंडिया के खाते में आ रही है 15 यानी यूडीएफ जो है, और अदर्स के पास 1। तो आप देखिए, केरल से ही आपको पता है राहुल गांधी भी लड़ रहे हैं, वायनाड सीट है, तो केरल में तो इंडिया गठबंधन की धूम है, यानी इंडिया छा गई है। तेलंगाना में देख लीजिए, सरप्राइजिंगली एनडीए को 12 मिल रहे हैं, इंडिया को 5 और अदर्स 0। और मैं आपको बता दूं, इससे तो लग रहा है कि रेवंत रेड्डी की जो आंधी बताई जा रही थी वो चल नहीं पाई है। कर्नाटक में 24 सीटें इधर एनडीए को मिलती हुई दिख रही हैं और इंडिया के पाले में आ रही हैं 4। आंध्र प्रदेश में 22 सीटें एनडीए को, देखिए बड़ी बात है ये। दक्षिण में जो मोदी जी कह रहे थे कि इस बार दक्षिण से ज्यादा सीटें आएंगी, तो वो एग्जिट पोल्स में दिख रहा है। और अभी मैं आपको न्यूज 24 टुडे चाणक्य का बता रही हूं, और देखिए टुडे चाणक्य के जो आंकड़े होते हैं वो हमेशा सबसे सटीक होते हैं। आगे बढ़ती हूं मैं तमिलनाडु में, तमिलनाडु में इंडिया की धूम है, यानी इंडिया गठबंधन छा गया है। कैसे, 29 सीट और इधर एनडीए को कितनी, 10 सीटें। पंजाब में देखते हैं, 4 एनडीए को, 4 इंडिया को, यानी देखिए टक्कर का मामला है। और आम आदमी पार्टी को यहां पर 2 सीटें मिलती हुई। अगर आगे मैं बढ़ती हूं, असम, झारखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के अभी आंकड़े नहीं आए थे, गुजरात और मध्य प्रदेश, देखिए गुजरात और मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा, अगर मैं आपको बताती हूँ राजस्थान में, राजस्थान में ये जो मिशन 25 है, तो इंडिया गठबंधन ने मिशन 25 में से 2 सीटें इधर बीजेपी से ले लिए, तो देखिए एनडीए के पास 22, इंडिया गठबंधन के पास 2 और अदर्स के खाते में 1। उत्तराखंड में देख लीजिए, सारी की सारी सीटें एनडीए को यानी बीजेपी को। बंगाल में बात करते हैं तो एनडीए को यानी बीजेपी को 24 सीटें, इंडिया गठबंधन को 1। और अगर मैं आपको टीएमसी की बताती हूं, 17 सीटें जो मैंने लिख रखी हैं, ये टीएमसी की लिख रखी हैं। और आपको पता होगा कि बंगाल में इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी शामिल नहीं है। छत्तीसगढ़ में देखिए क्लीन स्वीप बीजेपी का, उड़ीसा में देखिए इंटरेस्टिंगली जो बीजू जनता दल है उसको 4 और एनडीए को यहां पर 16। तो ये न्यूज 24 के आंकड़े अभी चल रहे हैं। हरियाणा की बात कर लेती हूं तो देखिए एनडीए को 6, इंडिया को 4 और अदर्स के खाते में 0। यूपी की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं जिसमें से 68 एनडीए को, इंडिया गठबंधन को 12। बिहार में देख लीजिए एनडीए को 36 और इंडिया गठबंधन को 4। दिल्ली में देख लीजिए 1 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन के हाथों गवाई जा रही है, यानी जो 7 की 7 सीटें हैं वो दिल्ली में इस बार बीजेपी नहीं लेकर आएगी, सिर्फ 6 सीटों पर जीत होगी और 1 पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन। और अनुमान ये लगाया जा रहे हैं कि शायद इस बार मनोज तिवारी के आगे कन्हैया कुमार की जीत हो जाए। खैर, ये सिर्फ मैंने सोशल मीडिया का अनुमान बताया है, ये आंकड़ा न्यूज 24 ने दी थी, लेकिन 1 सीट जो है वो जा रही है। महाराष्ट्र में देख रही है 33 एनडीए को और इंडिया को 15। फिर आ जाइए राजस्थान में, राजस्थान में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो ये है न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का सटीक एनालिसिस। अब दूसरा देख लेते हैं, इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का अनुमान क्या कहता है। टोटल बताती हूं तो एनडीए को इन्होंने दी है 361 से 401, तो देखिए इधर भी 400 का नारा एकदम सामने दिख रहा है। इंडिया गठबंधन के पास 131 से 166, अदर्स के खाते में 8 से 20, आप ये पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने स्टेट वाइज आपके लिए लिख रखा है, चाहे वो हरियाणा हो, यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, मैंने सारी सीटें आपके लिए लिख रखी है। और देखिए इधर उत्तराखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम, झारखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गुजरात, एमपी, आप वीडियो को रोक के जरूर देख लीजिए कि आखिरकार इसमें, और जो आप देख रहे हैं हिमाचल में क्लीन स्वीप, जहां मैंने एक एक लिखा है। और अगर मैं आपको जम्मू कश्मीर के आंकड़े बताती हूं, इंटरेस्टिंगली एनडीए के पास 2, इंडिया के पास 0 और एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसको 3। और बाकी के आप आंकड़े देख सकते हैं कि इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के हिसाब से स्टेट वाइज कितनी सीटें, इधर भी आप देखेंगे दिल्ली में भी 1 सीट गंवाते हुए। राजस्थान की अगर बात करती हूं तो इंडिया गठबंधन 5 से 7 सीटें ला रहा है,
तो ये एनडीए के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। खैर अब मैं आगे बढ़ती हूँ, कौन से पे एबीपी सी वोटर में किसकी सरकार बन रही है। तो देखिए टोटल आंकड़ा देख लीजिए, एनडीए को कितनी मिल रही है, 353 से 383, यानी यहाँ पर 400 का आंकड़ा हमें नहीं दिख रहा है। इंडिया गठबंधन को कितनी, 152 से 182, और अदर्स के खाते में 4 से 12। ये फिर मैंने आपके लिए लिख दिया है कि कितनी सीटें, केरल देख लीजिए सामने, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, ये सारी सीटें मैंने आपके लिए लिख दी है। ये एनडीए की सीटें हैं, ये इंडिया गठबंधन की सीटें हैं, और अदर्स के खाते में मैंने आपके लिए इधर क्वेश्चन ये देखिए ब्रैकेट में लिख भी रखा है, वाईएसआरसीपी, एआईएडीएमके और आम आदमी पार्टी। फिर आगे बढ़ जाइए, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, दिल्ली में इन्होंने देखिए 1 से 3 सीटें इधर बीजेपी के हाथों गवा दिया, यानी 4 से 6 एनडीए को और 1 से 3 इंडिया गठबंधन लाने। देखिए इस बार इंडिया गठबंधन पिछली बार से ज्यादा सीटें लेकर आ रहा है, ये साफ एग्जिट पोल में पता चल रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी का ये जो 400 पार वाला नारा है, यानी 400 वाला नारा है, वो भी कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है। अब देखिए आगे देख लीजिए, उत्तराखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, हिमाचल, ये सारे आंकड़े मैंने आपके लिए लिखे हैं एबीपी सी वोटर के। आप स्क्रीनशॉट लेके फोकस करके जूम करके इसको देख सकते हैं। और देखिए लास्ट ये गुजरात, गुजरात में देखिए 1 सीट जाती हुई, एबीपी सी वोटर बता रहा है 1 सीट जाती हुई इंडिया गठबंधन के हाथों, यानी क्लीन स्वीप नहीं है। और अनुमान है, देखिए एक रेंज होती है इधर, जितने भी मैंने आपको आंकड़े बताए हैं इसके आसपास के हम लोग प्लस माइनस 5, 10, 15 रखते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए 25, तो एनडीए के खाते 16 से 21, इंडिया के खाते में 3 से 7 और अदर्स के खाते में 1 से 2। अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरऑल दूसरे सर्वेस का बता देती हूं, बाकी के पोल्स में कौन जीता। मैटराइज है, एनडीए को कितने दे रहा है, 353 से 368, इंडिया गठबंधन को 118 से 133, अदर्स के खाते में 43 से 48, पीएमएआरक्यू एनडीए को 359, इंडिया को 154, अदर्स को 30, जन की बात देख लीजिए एनडीए को 362 से 392, इंडिया को 141 से 161, अदर्स के खाते में 10 से 20, डायनेमिक्स जो है एनडीए को 371, इंडिया को 154, अदर्स को 30, इंडिया टीवी सीएनएक्स देख लीजिए 371 और 401, यानी इंडिया टीवी सीएनएक्स ने भी इधर 400 का आंकड़ा छू लिया है, 139 और 109 इधर आपके इंडिया गठबंधन को, 28 से 38 यहां पर अदर्स के खाते में। पोल स्टैट प्लस देख लीजिए, एनडीए को 346, इंडिया को 162, अदर्स को 35, ये ईटीजी रिसर्च देख लीजिए, एनडीए को 358, इंडिया को 152 और अदर्स के पास 33। एनडीटीवी पोल्स ऑफ पोल देखिए, उन्होंने जितने भी सारे थे एनालिस करके एनडीटीवी ने दिया है, एनडीटीवी ने देखिए एनडीए को 366, इंडिया को 144 और अदर्स को 33। और न्यूज 18 के आंकड़े में बताती हूँ तो एनडीए को 355 से लेकर 370, इंडिया को 125 से 140 और अदर्स के खाते में 42 से लेकर 52 सीटें। ये सारे आंकड़े आपके सामने हैं, मैं फिर कह रही हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको काम आएंगे 4 जून को कि कौन सी एजेंसी ने सबसे सटीक बताया है। अब ये अगला पॉइंट जो मैंने खोला है वो ये है कि आखिरकार पिछले चुनावों में क्या हुआ था, कि कौन सी एजेंसी कितना सटीक थी। शुरुआत करती हूँ मैं 2019 के नतीजे से, एनडीए ने जीती थी 353, यूपीए ने 93, अदर्स के खाते में 97। तो अगर मैं शुरू करती हूँ इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया, देखिए सटीक आंकड़ा 352 से, यानी 353 से एक कम, 352 बोला था एक्सेस माई इंडिया ने, 93 इधर बोला था यूपीए के लिए, तो एग्जैक्ट नंबर मैच होता हुआ और अदर्स के खाते में 82। न्यूज 24 टुडे चाणक्य के दूसरे नंबर पे देखिए 353 आंकड़ा है, तो 350 हमने बोला था 95 यूपीए को और अदर्स को 97। और ये जितने भी आपको दिख रहे हैं नीचे, आप फिर स्क्रीनशॉट देखिए, न्यूज 18, IPSOS, टाइम्स नाउ, VMR, इंडिया टीवी, CNX, सी वोटर, ABP, इंडिया न्यूज, पोलस्ट्रैक, ये सारे आंकड़े देख लीजिए कि कैसे ये मेन नतीजा है और कितने कितने सारे आंकड़े इनसे मिल रहे हैं। फिर 2014 की बात करती हूँ, एनडीए को 336, यूपीए को 60 और अदर्स को 147। फिर देख लीजिए इधर 336 यहाँ पर आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन सिर्फ न्यूज 24 टुडे चाणक्य वो था जिन्होंने कहा था 340। आप जितने भी आंकड़े देखेंगे सारे 200 वाले हैं, लेकिन सिर्फ न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने कहा था कि 340 और कितनी सीटें आई थी, 336। यूपीए के लिए देख लीजिए हमने 70 कहा था और आई थी 60। और फिर एक बार मैं बता दूं, अदर्स के लिए हमने 133 कहा था और आई थी 147। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं, ये इसलिए मैंने आपके लिए टेबल बनाई है कि ऊपर ये आंकड़े हैं और नीचे आप मैच कर लीजिए। फिर आ जाइए 2009 में, यूपीए ने 262 जीती और सरकार बनाई, एनडीए ने 159 और अदर्स के खाते में आई 122। फिर आप देख लीजिए कि अगर यूपीए की मैं बात करती हूँ, सीएनएन, आईबीएन, दैनिक भास्कर, उन्होंने इतना बोला।
फिर आप ये देख लीजिए इंडिया टीवी सी वोटर, उन्होंने इतना बोला। स्टार नीलसन को देख लीजिए 199 और हेडलाइंस टुडे को 191, यानी 262 यहां पर किसी ने नहीं बोला था। और लास्ट इधर गई थी रेंज 205 की, लेकिन फिर इधर चौंका दिया गया था 2009 के नतीजों में। आप एनडीए भी देख सकते हैं 159, और सबने सोचा था ज्यादा सीटें आई थी, ज्यादा सीटें आएंगी एनडीए को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अदर्स का आंकड़ा आपके सामने है, 2004 में तो और भी ज्यादा एग्जिट पोल्स एग्जिट हो गए थे, यानी सटीक नहीं बैठे थे, क्योंकि देखिए एनडीए 181, यूपीए 218 से उन्होंने सरकार बना ली थी, और अदर्स के खाते में आई थी 143। और अगर आप यहां पे देखते हैं 181, तो आपको यहां पे कहीं पे भी आंकड़ा नहीं दिखेगा, सारे 200 से ऊपर, लेकिन आए कितने 181। यूपीए देखिए 218, और सबने कहा था 200 पार नहीं होगा, ये 205 लास्ट रेंज थी, लेकिन फिर भी इधर देखेंगे एनडीटीवी एसी नीलसन काफी करीब पहुंच गया था, और अदर्स के खाते में इतनी सारी सीटें। तो देखिए ये पूरा है कि कितने 4 सालों में सटीक रहे हैं। और इस बार भी मैंने जितनी भी एजेंसीज ने आपको बताया है वो सब रेंज आपको दे दी है, लेकिन 4 जून को आपको ये वीडियो काम आएगी। और देखिए कांग्रेस ने तो आज वैसे भी कह दिया कि हम तो नहीं हिस्सा लेंगे, और फिर बाद में हिस्सा ले लिया था, और अपने एग्जिट पोल्स के उन्होंने आंकड़े भी बता दिए। बहरहाल ये सारे एग्जिट पोल्स एनालिसिस के आंकड़े मैंने आपके सामने रख दिए हैं, वीडियो सेव कर लीजिए, 4 जून को आपको काम आएगी कि किसने किसको कितना कहा था। तब तक के लिए अब 4 जून का इंतजार आपको भी करना है, मुझे भी करना है। आप News24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए, मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।